डिस्कस अबाउट दोज वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, राइट? क्योंकि देखो हमारा जो टारगेट मशीन्स और विक्टिम है, मुझे क्या करना है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद वी नीड टू एनालिसिस की भाई उसे क्या क्या वल्नरेबिलिटीज मींस वीकनेस हो सकता है किसका, सामने वाले मशीन्स का, राइट? इन द सेम प्रोसेस और इन द सेम वे लेट्स सपोज, इसको मैं एथिकल में बात करूंगा, राइट? कि लेट्स सपोज व्हाट वी हैव एग्जैक्टली, कि आपके पास आपका ये एक्चुअल में सर्वर्स हैं, वी कैन से दैट, राइट? एंड मैंने आपको हायर किया क्या करने के लिए, टू आइडेंटिफाई और टू फाइंड द वल्नरेबिलिटीज इन माय सिस्टम्स और इन माय एप्लीकेशंस, राइट? लेट्स सपोज कि ये मशीन्स आपस में कनेक्टेड हैं विद हेल्प ऑफ एनी सेंट्रलाइज्ड डिवाइसेस, दैट कुड बी योर स्विचेस और दैट कुड बी कैसे भी करके कनेक्टेड है, राइट? एंड ये मेरे केस में क्या है, वी कैन से अटैकर, राइट? और मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि वी हैव लाइक इथिकल हैकर और वी कैन से द ऑडिटर, जो क्या करते हैं आपके मशीन्स को ऑडिट करेंगे एंड देन वेरीफाई कि यहाँ पे सब ठीक ठाक है या नहीं है, आई मीन ऑल द इन्फॉर्मेशन करेक्टली कॉन्फिगर्ड ऑन ऑल, तो वी हैव लाइक अटैकर देन वी हैव ऑडिटर ऑल दोस थिंग. नाउ पॉइंट यहाँ पे क्या अगेन कि मुझे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो मैं क्या करूँगा फ्रॉम दिस ऑडिटर मशीन्स और वी कैन से इथिकल मशीन्स में यहाँ पे क्या करूँगा कुछ टूल्स परफॉर्म करेंगे, कुछ कमांड फायर करेंगे जिसके थ्रू क्या होगा कि नाउ दिस कमांड गोइंग टू फेच इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्रॉम दिस मशीन, कि इनको अपने क्या करना है इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना है, गैदर करना. तो वी हैव लाइक डिफरेंट वर्नरेबल एनालिसिस टूल जिसके थ्रू व्हाट वी कैन डू, वी कैन चेक दैट इन्फॉर्मेशन, राइट? नाउ एग्जांपल के लिए क्या करता है, गूगल के पास खुद का क्या रहता है, डेटाबेसेस, राइट? दैट वी कैन से गूगल हैकिंग एक्सप्लॉयटेशन डीबी, राइट? सिमिलरली वी हैव लाइक एनवीडी, राइट? ये क्या रहते हैं, नेशनल वल्नरेबिलिटीज इन्फॉर्मेशन एंड ऑल दोस थिंग, राइट? देन वी हैव लाइक एन्यूमरेशन एंड ऑल दोस थिंग. तो ऐसे क्या रहते हैं अलग अलग पोर्टल्स, राइट? वी कैन सी अ पब्लिक पोर्टल जहाँ पे आपको कुछ कमांड नहीं चलाना है, वी हैव लाइक डिफरेंट पोर्टल जहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन गेदर द इन्फॉर्मेशन, राइट? इफ यू नोटिस नाउ वी हैव लाइक एनवीडी, सीवीई, सीडब्ल्यूई. इस एग्जांपल के लिए आपको देखना है कि भाई मेरे केस में लेट सपोज आई एम जस्ट मेंशनिंग दोस कि मेरे केस में एसएसएस चल रहा है, व्हाट वी हैव दैट एसएसएस इज रनिंग एंड ऑल, राइट? तो पॉइंट यहाँ पे क्या है कि अगर आप एसएसएस से रिलेटेड चीज़ों को सर्च करोगे तो यहाँ पे क्या होते हैं, जितने भी एसएसएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हैं मे बी आपके यहाँ पे डिस्प्ले या शो हो जाते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए फिर नोटिस ना हो तो व्हाट आई मेंशन कि वी हैव लाइक एप्लीकेशन, सॉरी नॉट एप्लीकेशन, यस वी हैव अ फॉर्चुली पाथ. इसमें क्या मेंशन है कि वी हैव लाइक इन टाइटल इंडेक्स ऑफ फाइल्स एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट? तो व्हाट पॉइंट वी हैव एग्जैक्टली कि जब भी हम लोग इसको ऑथेंटिकेट करेंगे तो वी हैव सम इन्फॉर्मेशन. ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन गेट हो रही है, फ्रॉम द गूगल डॉक, वी कैन से द गूगल हैकिंग डेटाबेस प्रोडक्शंस, राइट? फाइल कंटेनिंग द जूसी इन्फॉर्मेशन, इट मीन्स वी कैन से गेदर द क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन एंड देन वी कैन एक्सप्लॉयट दोज थिंग्स टू वेल्स. सिमिलरली इफ यू थिंक दैट कि लाइक मेरे केस में हम लोग यूज़ कर रहे हैं लेट्स सपोज सांबा, राइट? तो सांबा से रिलेटेड यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है, सांबा वेब एडमिनिस्ट्रेटर टूल देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो व्हाट एग्जैक्टली वी हैव दैन, लाइक वी हैव मे बी एप्लीकेशन जो क्या करते हैं वर्क ग्रुप मशीन को क्या करेंगे, देर आर कन्फिगरिंग एज एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑल दोस थिंग, राइट? तो इफ़ यू नोटिस नाउ व्हाट देयर मींस, स्मॉल स्मॉल पॉइंट मेंशन रहता है यहाँ पे कि दिस सर्च रिवील वाइड ओपन सांबा एडमिनिस्ट्रेशन सर्वर्स, अटैकर कैन चेंज ऑप्शन ऑन द सर्वर्स. ये क्या है, ये आपके लिए थोड़ा सा बग है किसमें, इन द सांबा. तो यू नीड टू पैच दोस थिंग या उसका आपको पैच ढूंढना पड़ेगा. सिमिलरली वी हैव अनदर पोर्टल टू एज वेल, वी कैन से दैट पर्टिकुलर सीवी, राइट? दैट इज अ कॉमन, राइट? सो सॉरी नेक्स्ट व्हाट वी हैव दैट सीवी, राइट? सो दैट वी कैन से कॉमन वीकनेस एन्यूमरेशन CW. तो इट्स अ पोर्टल कॉमन वीकनेस एन्यूमरेशन. देखो तो वी हैव ऑल द आर्टिकल, तो आपको क्या करना, सिंपल सर्च सेक्शन में आके, राइट? आप यहाँ पे क्या करो, सिंपल सर्च कर, लाइक मुझे क्या करना, सर्च करना है सांबा के बारे में. सांबा एक एप्लीकेशन सर्विसेज दैट यूज फॉर द शेयर योर फाइल्स एंड फोल्डर्स. तो व्हाट एग्जैक्टली वी हैव, व्हाट दे आर मेंशनिंग इन द सेम थिंग कि एक्सेस कंट्रोल इन्वॉल्व द यूज ऑफ सेवरल प्रोडक्शन मैकेनिज्म सच एज द ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी. मे बी अगर आपके पास सांबा का एप्लीकेशन है तो देख कुड भी प्रॉब्लम क्या है स्पेसिफिकेशन में. देखो तो वेन एनी मैकेनिज्म नॉट अप्लाइड और अदरवाइज फेल, अटैकर कैन कंप्रोमाइज द सिक्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट बाय गेनिंग द प्रिविलेजेस, रीडिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूटिंग सम कमांड टू गेट दोज इन्फॉर्मेशन. तो प्रॉब्लम पॉइंट यहाँ पे क्या है कि मे बी अगर आपने इनप्रॉपरली कन्फिगर किया है सांबा को, राइट? तो एनी वन कैन एक्सेस एंड देन दे कैन मिटिगेट और दे कैन मैनिपुलेट दोज काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन. सिमिलर टू वॉट वी हैव दैट CVE, कॉमन वल्नरेबल एन्यूमरेशन, वी कैन से दैट वल्नरेबिलिटीज एंड ऑल आते हैं इट शो हियर एज वेल. इफ यू नोटिस नाउ इफ आई जस्ट शो यू द सर्च लिस्ट, राइट? और आप यहाँ पे सर्च करो मुझे किसके बारे में सर्च करना, सांबा के बारे में, राइट? इफ यू नोटिस नाउ व्हाट वी हैव दैट
सो दीज आर आर्टिकल नंबर एंड ऑल दोज थिंग्स व्हाट दे आर मेंशनिंग अ पाथ डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटीज वर फाउंड. देखो तो व्हाट दे आर मेंशनिंग द सीन वाज फाउंड इन सांबा एज पार्ट ऑफ स्पॉटलाइट प्रोटोकॉल. सांबा डिस्क्लोज द सर्वर साइड एब्सोल्यूट पाथ ऑफ शेयर. समझा इसका मतलब कि अगर आप सांबा के थ्रू फाइल फोल्डर शेयर ऑब्वियसली करते हो यहाँ पे तो सांबा क्या दिखा देगा. इट विल डिस्क्लोज द सर्वर साइड द पाथ कि आपने कौन सा फोल्डर शेयर किया जो बाइटफॉल सांबा शेयर नहीं करता है. अनफेस बाइटफॉल शेयर रहता है राइट. सो दे आर द सेम लाइक फाइल्स एंड डायरेक्टरीज जो आपने शेयर किया इन द रिजल्ट ऑफ द सर्च क्वेरीज. दिस फ्लॉज अलाउ अ मैलिशियस क्लाइंट फॉर एन अटैकर विथ अ टारगेटेड आरपीसी रिमोट प्रोसीजर कॉल टू रिक्वेस्ट टू व्यू द information that is shared with over the server. And similarly we have like NVD right, National Vulnerability Databases. ये portal ये भी है right, National Vulnerabilities Information. ये यहाँ पर रहेगा अगर मैं vulnerabilities explore करता हूँ यहाँ पर right. And here you can just search those vulnerabilities. Like मुझे क्या चाहिए again कोई applications level, it's not about that applications right. It will show that कि मुझे किसके बारे में search करना है. I suppose that this particular application is performing. It will show all the result. If you notice now, देखो यहाँ पे क्या mention है. ये है लगभग देखो July 2023 का 11 this date and time. So what they are mentioning? The severity यहाँ पे क्या होता है ना medium, low, high, critical. तो ये medium है. What they are mentioning? The vulnerability found in Samba version 2 protocol packet signing mechanism. So the SMB packet to signing is not enforced if an admin configured right. The server signing required for the SMB connections to domain controller where SMB 2 packet signing is mandatory, right? So these are information. ऐसा कुछ यहाँ पे है. And the same, we have like different protocols and different services to gather the information about those servers and then those mechanisms. तो ये क्या रहा है एक्चुअली अलग अलग पोर्टल जहाँ से वी कैन गेट द कि हमारा जो vulnerabilities है उसकी categories क्या हो सकती हैं and how we can check those category information too as well to get the सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन वी कैन से या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन गेदर करना है वी कैन चेक दैट कि हाँ अच्छा ठीक है मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम है एंड देन वी कैन वेरीफाई देन वी कैन गो थ्रू दोज मैकेनिजम्स. सो नाउ जंपिंग ऑन द टूल्स एक्चुअली तो वेरी फर्स्ट टूल नॉर्मली यहाँ पे हमारे पास ओपन बैस हम यूज करेंगे. देन वी हैव लाइक नेसूस ये पेड सर्विसेज हैं राइट एंड निक्टो एंड ऑल. तो ऐसे बहुत सारे टूल होते हैं रैपिड सेवन एंड ऑल है बट अगेन वी वी डिस्कसिंग अबाउट दोस ओपन बेस नेसूस एंड निक्टो. देखो तो सबसे पहले ओपन बेस यहाँ पे क्या सिंपल सा लाइक अगेन ओपन सोर्स टूल राइट दैट यूज टू फाइंड वल्नरेबिलिटीज दैट यूज टू स्कैन वल्नरेबिलिटीज इन योर इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर राइट. तो यह सिंपल सा क्या है कि आप कहाँ जाओ एप्लीकेशन सेक्शंस में राइट एंड देन क्लिक ऑन द पेन टेस्टिंग ऑप्शन राइट एंड देन क्लिक ऑन द वल्नरेबिलिटी एनालिसिस सेक्शन एंड क्लिक ऑन द ओपन बेस ग्रीन बोर्ड राइट. और यहाँ पे बस क्या करो एप्लीकेशन को स्टार्ट कर दो राइट. जैसे स्टार्ट करोगे विल ट्राई टू लॉन्च इन द कमांड लाइन मोड राइट. और आपको देखेगा यहाँ पे क्या दे देगा दे सिंपल प्रोवाइड अ यूआरएल राइट. और जैसे हम इस यूआरएल पे क्लिक करेंगे या मे बी इन द ब्राउजर ओपन करेंगे ना तो एक अच्छा सा कंसोल ओपन हो जाएगा जहाँ पे व्हाट वी कैन डू वी कैन देखो जैसे मैंने इसको लॉन्च किया हियर वी गॉट ऑथेंटिकेशन राइट. नाउ इसके अंदर आप जाके क्या कर सकते हो सिंपल वी कैन लॉग इन विथ क्रेडेंशियल्स. हाँ तो बाय डिफॉल्ट क्रेडेंशियल जहाँ पे क्या रहेगा द डिफॉल्ट यूजर नेम इज एडमिन एंड द पासवर्ड इज पासवर्ड ठीक है लॉग इन हो जाएगा. देखो यहाँ पे इट्स अ वेरी फर्स्ट कंसोल ऑफ योर ग्रीन बोन सिक्योरिटी असिस्टेंट और वी कैन से द ओपन. हम लोग क्या करते हैं मुझे स्कैन करना है तो क्लिक ऑन द स्कैन इन द टास्क सेक्शन राइट. क्लिक ऑन द टास्क सेक्शन एंड क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर दिस थर्ड ऑप्शन राइट. ये दिख रहा है आपको ये स्टार वाला सिंबल वाला. नाउ क्लिक ऑन द टास्क विजार्ड एंड नाउ मेंशन दोस कि मुझे किस एड्रेस को एड्रेस मीन दैट कुड बी योर नेम और दैट कुड बी योर आईपी ये कोई भी हो सकता है. तो मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया कि मुझे क्या करना है वी नीड टू गेट दैट मेरे पास एक मशीन है 1.22 मुझे क्या करना है इस मशीन के बारे में वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करना. तो मैंने यहाँ पे इसको सर्च किया एंड देन क्लिक ऑन द स्टार्ट स्कैन राइट. ये हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया इफ़ यू नोटिस नाउ राइट. तो यहाँ पे देखो नीचे आपको ये ना चलना स्टार्ट हो जाएगा राइट. इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम लाइक मे बी वन एक से लेकर 5 मिनट के बीच में लेगा. अभी ये क्यू में है और अभी यहाँ पे देखो क्यू में है एक कुछ सेकंड में ना मिनट में एक रनिंग स्टेटस में आ जाएगा और यहाँ पे एक टास्क का साइन हो जाएगा ग्रीन में आ जाएगा. देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नाउ इट्स ग्रीन और यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट गोइंग टू रन दोज अपडेट ठीक है. तो अगर आप चाहो तो वी हैव लाइक मल्टीपल ऑप्शंस टू एज वेल. आप यहाँ पे मल्टीपल ये भी दे सकते हो यू कैन से दैट कि होस्ट दे सकते हो राइट. जो मिल जाएगा और आप रिपोर्ट पे क्लिक करोगे स्टेटस पे इवन तो क्लिक करोगे दीज आर लिंक एज वेल तो ये क्या दिखा देगा उस मशीन जितने भी वल्नरेबिलिटीज रहेगा राइट मे बी इफ दे फाइंड दैट इट विल शो ऑल दोज वल्नरेबिलिटीज हियर
तो इफ़ यू नोटिस ना, देखो यहाँ पे कितने लोग हो गए, 96% हो गए राइट। तो अगर मैं इस पर एक्सप्लोर करता हूँ, आई जस्ट गेट द इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन एज वेल, तो अगर मैं इस पर एक्सप्लोर देखो करूँगा, देखो दिख रहा है यहाँ पे, तो व्हाट वी आर गेटिंग दैट कि इमीडिएट हमने स्कैन किया था ओके, एंड इन दिस स्कैन वी हैव दिस रिजल्ट फॉर आवर 55 में से 4 आउट ऑफ समथिंग आर दिस इन्फॉर्मेशन दिख रहा आपको। तो वी हैव एन एप्लीकेशन जिसमें से यहाँ पे क्या देखा, सेवर्टी लेवल इसका हाई है, देन वी लाइक मीडियम मीडियम एंड लो राइट। एक मशीन हमने दिया था तो होस्ट कितने पोर्ट यहाँ पे हैं, तो 19 मशीन ने 2 पोर्ट दिखा, देन एप्लीकेशन ओएस, देन सीवी देखो रिपोर्ट दिख रहा है आपको, जो हमारे पास वो एरर था ना पहला वाला रिजल्ट में दिख रहा है द सेम। उसके यहाँ पे क्या है, दैट इज अ कॉमन वल्नरेबिलिटीज एनुमरेशन, सीवी दिख रहा है रिपोर्ट, दिस आईडी, अगर आप ये आईडी कहाँ डालते हो सीवी में तो आपको सेम इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा, या इवन तो अगर मैं आपको दिखाऊँ देखो जैसे ये डिटेल है, ये आपको क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, ये क्या इन्फॉर्मेशन, और आपको देखना कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है। तो अगर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लोर कर नीचे देखो दिखाऊँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्क्रिप्ट ने इन्फॉर्मेशन गैदर किया, इसमें क्या है कि मे बी लाइक वाइल दिस इज नॉट इन इटसेल्फ एंड ऑल दोज थिंग, अ सर्टेन रिपोर्ट इज मेक यू अवेयर ऑफ द पॉसिबल डिक्रीज इन स्कैन कवरेज ऑफ द मिसिंग डिटेक्शन, कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो द मिसिंग द फंक्शनैलिटीज, मिसिंग द बग फिक्सेस आर इनकम्प्लीट विद दिस फिट इन्फॉर्मेशन राइट, एंड दीज आर इन्फॉर्मेशन, बाकी इसकी डिटेल है कहाँ मिल जाएगी यहाँ पे, इसका सोल्यूशन क्या है, तो आप वेंडर स्पेसिफिक जो अप्लीकेशन होते हैं उनसे कॉल करो, इन्फॉर्मेशन गेट करो राइट। और ये एक्चुअल है क्या, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ राइट, सिंपल सा पॉइंट है, और समरीज में आपको क्या दिखाया कि स्कोरिंग यहाँ पे क्या हाई है, सो दिस इज आर सीवीएस रिपोर्ट राइट, और ये डिटेल्स है। बाकी एक चीज़ और, अगर मैं इसका ये दिखाता हूँ आपको सीवी रिपोर्ट राइट, देखो तो अगर मैं इसका ना सी वी ई रिपोर्ट अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ, तो व्हाट एग्जैक्टली वी है देखो दिख रहा है आपको, तो अगर इस पर क्लिक करोगे तो सेम इन्फॉर्मेशन क्या यहाँ पे, तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ये रहेगा, दिख रहा है कहाँ पे इश्यूज है, द SSL सर्टिफिकेट कीज एंड ऑल राइट, कि मे बी उस एप्लीकेशन पे क्या हो रहा है, SSL कीज एंड ऑल यूज़ हो रहे हैं, तो देट कुड बी प्रॉब्लम ओवर दोज मशीन्स एज वेल राइट। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास जो मशीन्स हैं उस पर एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए आपने जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो वो SSL पे चल रहा है, बट इट्स नॉट प्रॉपरली कन्फिगर्ड, मे बी वहाँ पे क्या एप्लीकेशन जो आपका कन्फिगरेशन करने वाले हो इट्स नॉट प्रॉपरली कन्फिगर टू वैस में, तो क्या करो आप उसको वेरीफाई कर लो, इसको फिक्स कर लो, क्लियर विद दैट गाइस राइट। तो ये क्या रहेगा CVE के बारे में, सिमिलरली वी हैव ऑल्सो एन एप्लीकेशन दैट वी कैन से Nessus ठीक है, Nessus जैसे लॉन्च यहाँ पर करोगे राइट, तो सिमिलरली इसका यूजर नेम भी सेम एडमिन ही है, और पासवर्ड डिफॉल्ट यहाँ पे क्या है पासवर्ड देखो, तो व्हाट पॉइंट वी हैव दैट ये आपका पहला कंसोल रहेगा Nessus का राइट। तो अगर आप यहाँ, और यहाँ पे कुछ स्कैनिंग कुछ भी नहीं है, तो अगर आप यहाँ पे जाओ क्रिएट स्कैन में, तो वी हैव लाइक अ टेम्पलेट एज वेल, तो देर इज अ लॉट ऑफ टेम्पलेट मैकेनिज्म दिख रहा है आप यहाँ पे राइट, सो देर इज अ लॉट ऑफ टेम्पलेट बाय डिफॉल्ट। तो अगर मुझे यहाँ पे क्या करना, ले सपोज कि आपको क्या करना मेंशन करना पड़ेगा, लाइक मुझे यहाँ पे पोस्ट डिस्कवरी करना है, बेसिक नेटवर्क इन्फॉर्मेशन है, क्या करना, तो यू कैन मेंशन इन दैट वे कि लाइक अच्छा मेरे पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है एंड वी टू गेट द इन्फॉर्मेशन इन दैट वे। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात यहाँ पे करूँ, लाइक मेरे पास ये मेरा स्कैनिंग है, मुझे अपना खुद का स्कैन बनाना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइक ले सपोज आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द एडवांस स्कैन, एक टेम्पलेट बना रहे हैं यहाँ पे राइट, मैं इसका नाम दे दूँ समझे यहाँ पे क्या कि सैम्पल स्कैन समथिंग ठीक है, और ये कहाँ स्टोर होगा, तो वी कैन सी इन द माई स्कैन विल डिस्कस दैट राइट। उसके बाद हम आते हैं कहाँ पे, अंडर द डिस्कवरी सेक्शंस, और यहाँ पे हम लोग पोर्ट स्कैनिंग कर लेते हैं, कौन सा पोर्ट, वी जस्ट कंसीडर दैट ऑल द पोर्ट की वेरीफाई यहाँ पे करो, वी जस्ट मेंशन दैट पोर्ट एंड एवरीथिंग ठीक है, असेसमेंट एंड ऑल विल डिस्कस दैट, लाइक मुझे ये असेसमेंट रहेगा, यू कैन चेक दैट कि मुझे यहाँ पे क्या करना है। क्रेडेंशियल्स में जब आप इसको स्कैन करोगे ना अपने लिए, तो आपसे यहाँ पे ये पूछता है कि आपको ओपन करना तो कैसे करोगे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यूज़र नेम में सिंपल मेंशंस कर दिया समथिंग, यूज़र नेम ले सपोज CH123, और पासवर्ड मैंने यहाँ पे समथिंग डाल दिया, अच्छा मैंने पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया क्या CH123 ठीक है, डोमेन ऑप्शनल है, और बाकी आप यहाँ पे क्या कर दो कि आपको यहाँ पे क्या क्या स्कैन करना है ठीक है। तो एवरीथिंग आई वांट टू स्कैन दोज थिंग्स, तो मैंने यहाँ पे सब चीज़ को स्कैन कर लिया है राइट, बाकी प्लगइन्स बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इनेबल रहेगा, तो यू कैन स्किप दोज ऑप्शंस टू एज वेल, अगर मुझे स्कैनिंग करना है तो ठीक है। तो आप यहाँ पे हमने क्या किया है, फिलहाल के लिए सारे ऑप्शंस यहाँ पे चूज कर रखा है, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन गैदर करना है इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम्स एंड इन दिस पर्टिकुलर, देखो तो सेटिंग हमने क्या किया, सिंपल हमने एक नाम दे दिया कि मुझे ये हमारा टेम्पलेट का नाम है राइट, और शेड्यूल अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, डिस्कवरी हमने पोर्ट डिस्कवर करना, सारे पोर्ट को डिस्कवर करो, असेसमेंट एंड ऑल दिस हम बाद में चूज़ कर लेंगे ठीक है।
क्रेडेंशियल्स में जिस वी मेंशन दैट कि मुझे होस्ट मशीन का एक्सेस करना है, जब आप उसको एक्सेस करना चाहोगे तो आपसे पूछेगा कि रिपोर्ट रीड करने के लिए भी कैसे दें, तो मैं वो मेंशन कर दूँगा सारी इन्फॉर्मेशन। और बस यहाँ पे आप क्या कर दो, सिंपल सा इसको कर देते हैं हम लोग सेव। मुझे यहाँ पे किस टारगेट को ये करना है, तो जिस मेंशन कॉमा देखो मल्टीपल दे सकते हो। देखो तो अगर आपको सेव करना है, यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, सेव की लॉन्च, तो अगर मैंने देखो यहाँ पर सेव किया है तो आपका टेम्पलेट यहाँ बन जाएगा, बट अभी स्कैनिंग स्टार्ट नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना अंडर द माई स्कैन सेक्शन, तो आपको यहाँ या ऑल स्कैन में देखो यहाँ पे जाओगे तो हमारे पास दिख रहा है वी हैव अ सेक्शन राइट, मीन द वी हैव व्हाट पॉलिसीज वी हैव दैट वी कैन आल्सो चेक दिस पॉलिसी, क्रिएट न्यू पॉलिसी एंड डिफाइन दोस थिंग्स, कि मेरे पास ये पॉलिसीज एंड ऑल है राइट। बस हमारा जो हमारा स्कैन था हम उसको चूज़ किया था एंड उसके बाद हम लोगों ने कहाँ गए थे, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में, और यहाँ पे हमने क्या किया था, उसको लॉन्च किया था। अब यहाँ पे ये लॉन्च चल रहा है, इसलिए यहाँ पे अन रिलॉन्च का ऑप्शन है राइट, बट अगेन बाय डिफॉल्ट लॉन्च होगा। और साथ में जब उसका एक्सप्लोर यहाँ पे करोगे तो वी आर स्कैनिंग दोज होस्ट राइट एंड दीज आर अवेलेबल एनालिसिस, वी हैव लाइक क्रिटिकल हाई मीडियम लो एंड इन्फॉर्मेशन राइट, एंड बाकी क्या है उसकी अलग अलग मशीन्स की डिटेल है, सो दीज आर इन्फॉर्मेशन ऑफ दोज मशीन्स, तो इन दैट वे वी कैन गेट दैट राइट। वनरेबिलिटीज कितने हैं, सो इट्स नॉट अ वनरेबिलिटी, दे आर गोटिंग द गेटिंग द इन्फॉर्मेशन की लाइक मेरे पास इन्फॉर्मेशन हैं और ये मिक्स्ड सर्विसेज हैं राइट। और हिस्ट्री में अभी प्रोसेस रनिंग है, दैट विल शो, तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो बाकी यहाँ पे दिखाएगा कितने एप्लीकेशन आपका क्रिटिकल हैं, कितने हाई, कितने मीडियम ऑलमोस्ट है। तो ये थोड़ा टूल्स हैं जिसके थ्रू वी कैन गेदर द इन्फॉर्मेशन, देन वी कैन एक्सप्लॉयट दोज नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो आपको सिस्टम हेल्प करता है एप्लीकेशन को प्रोसेस को लॉन्च करने के लिए इन दैट वे राइट। देखो तो अगर आप यहाँ पे देखोगे दे आर सेइंग द सेम थिंग, जो शो यू देयर, कि आप यहाँ पे पॉलिसीज बना लो एंड देन स्टार्ट स्कैनिंग, जब स्कैन हो जाएगा तो इट विल शो इन दैट फॉर्मेट, पॉलिसीज का नाम है ओके। देखो दिखा देगा ना कि इनकेस अगर आपका है तो वल्नरेबिलिटीज यहाँ पे क्या सर्टिफिकेट के इश्यूज हैं, बाद में इस पर क्लिक करोगे तो इट विल शो दो सेवर्टिज लेबल एंड ऑल दोज थिंग्स, देन वी हैव अ सीवीएस रिपोर्ट एंड ऑल दोज थिंग्स, सब प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं, वल्नरेबल इन्फॉर्मेशन डिटेल्स कहाँ पे हैं, तो इट विल शो इन दैट वे टू। सो देयर इज अ लॉट ऑफ वे एंड ऑप्शन जहाँ से व्हाट वी कैन डू, वी कैन गेदर द इन्फॉर्मेशन देन वी कैन परफॉर्म वर्क राइट। तो देखो ये रिपोर्ट भी आप बाद में जनरेट कर सकते हैं। द लास्ट व्हाट वी हैव दैट वी हैव लाइक निक्टो, तो ये एक्चुअली कमांड लाइन टूल है जहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन गेदर द इन्फॉर्मेशन और गेट द वल्नरेबिलिटीज अबाउट एनी वेब सर्वर और एप्लीकेशन राइट। तो वी हैव लाइक वेब सर्वर्स वल्नरेबल टूल दैट वी हैव अ निक्टो। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे APT इंस्टॉल निक्टो, ठीक है ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको बस सिंपल से क्या करोगे, देखो निक्टो लॉन्च करोगे तो निक्टो यहाँ पर लॉन्च हो जाएगा राइट। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शन है, लॉट ऑफ वे कैसे करना, देखो यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, सिंपल सा निक्टो राइट एंड देन स्कैन द ट्यूनिंग इन्फॉर्मेशन राइट। कैसे देखो तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि निक्टो मेंशन किया कि लाइक निक्टो एंड देन -H मेंशन करो होस्ट के लिए, मुझे किस होस्ट को क्या करना, वेरीफाई करना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया सिंपल सा मेंशन किया निक्टो -, मैंने यहाँ पे मेंशन किया एच स्टैंड फॉर होस्ट, और मेरे यहाँ पे एक होस्ट है लाइक सपोज स्मॉल है, बाकी पोर्टल रहेगा दैट विल टेक टाइम, तो मैंने एक पोर्टल किया www.certifiedhacker.com ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया स्कैन किया एंड देन -ट्यूनिंग, देखो ट्यूनिंग स्टैंड फॉर एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन राइट, तो दे आर इंटरसेक्टिंग दोस फाइल स्कैनिंग इन्फॉर्मेशन राइट एंड They are fetching those informations. We can see the information disclosure, injections, remote file retrieval. बाकी information क्या करेंगे आप, they will search those things, right? तो आप mentions करें यहाँ पर like मुझे क्या करना है, we just mention the tuning. तो we just mention the tuning and then -X that we can say we need to get the information in the reverse options, right? This system क्या करेगा, it will find those information of those machines in that all the detail. तो जो भी information जहाँ पर हमने mentions करेंगे system क्या करेगा, सर्वर के बारे में सर्च करेगा, दोनों कॉमन प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम देखो ये मेरे पास सर्वर है उसकी आईपी है, ये मशीन से पोर्ट नंबर स्टार्ट टाइम एंड देन सर्वर यहाँ पे क्या पाचे हैं राइट एंड दे आर गोइंग टू स्टार्ट स्कैनिंग ऑन द हेडर अटैक एंड ऑल, थोड़ा सा टाइम लेगा राइट। जब ये स्कैन हो जाएगा तो इट विल शो इन दैट वे, कैसे देखो दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो इट विल शो इन्फॉर्मेशन सच एज द नेम सर्वर आईपी एड्रेस टारगेट पोर्ट रिट्रीव फाइल्स वल्नरेबिलिटी डिटेल बाय द टारगेट सिस्टम, दिख रहा है आपको यहाँ पे ऐसा, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाएगा आपके पास राइट। ये हमारे पास कंटेंट रहेगा वर्डप्रेस का, मे बी अगर वर्डप्रेस में है, और यहाँ पे क्या दिखाएगा द कंटेंट कोडिंग हेडर सेट टू द
सर्वर इज वल्नरेबल टू द ब्रीचिंग अटैक एंड ऑल दोस थिंग्स, तो ये सारे ऑप्शन आप इसमें देख सकते हैं, सिंपल सा ये।